नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आईसी चैप्टर नंबर 6 द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अत्यार सुधीनी जीटीयूनी एग्जाम में त्रण वक्त एग्जाम में पूछायेलो क्वेश्चन है और विद्यार्थी मित्रों आवनारी परीक्षा में आ क्वेश्चन तमने पूछाय। हूँ जाणु छू कि आ एग्जाम आ पेपर तमारा माटे मात्र पासिंग मार्क्स माटेनुं छे, पण विद्यार्थी मित्रों पासिंग मार्क्स माटे पण मेहनत तो करवी पड़े, एटला माटे मैं केटलाक एवा ज विडियो बनाव्या छे कि जे तमने एग्जाम में खास पूछावाना ज होय, एटले मोस्ट इम्पोर्टंट विडियोज ज बधा बनाव्या छे। विद्यार्थी मित्रों आ बधा ज विडियोज ने तमे जोशो अने तमने आ विडियोनी मदद थी परीक्षा में पास थवामां तो 100% फायदो थशे। तो चलो विद्यार्थी मित्रों समझिए आ एक डिफरन्स ने। गीव एनी 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरन्स बिट्वीन फंडामेंटल राइट्स एंड डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स आ बे वच्चेनो शूँ फरक छे, तफावत शूँ छे। 5 मार्क्स में आ क्वेश्चन पूछाय छे, एटले विद्यार्थी मित्रों बनी सके तो बन्ने बाजू थी आपणे मिनिमम 5 पॉइंट लखवा जोईए। मैं तमने अहीं 6 पॉइंट लखीने आप्या छे अने दरेके दरेक पॉइंट एकदम ईजी छे के आरामथी तमने याद रही शकशे। तो जोईए फंडामेंटल राइट्स अने डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नंबर 1, दीज आर जस्टिसिएबल एज दे केन बी एनफोर्स्ड लीगली बाय द कोर्ट्स इफ देर इज अ वायोलेशन। दीज आर जस्टिसिएबल, अब फंडामेंटल राइट्स है एक एवं है जस्टिसिएबल है एट्ले कि न्याय ने पात्र है। एज दे केन बी एनफोर्स्ड लीगली, जो एनो कायदाकीय रीते अमल मुकवा अमल करवामां आवे बाय द कोर्ट्स, कोर्ट द्वारा जो एनो कायदाकीय अमल करवामां आवे त्यारे क्यारे, जो मतलब इफ देर इज अ वायोलेशन, जयरे एवं उल्लंघन थाय कोई नियमनु कायदानु उल्लंघन थाय त्यारे ए न्याय ने पात्र है। जयरे डीपीएसपी शू है, डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसिएबल एज दे कांट बी एनफोर्स बाय द कोर्ट्स। हवे डीपीएसपी है ए न्याय ने पात्र नहीं कारण के दे कांट बी एनफोर्स बाय द कोर्ट्स, ए कोर्ट द्वारा एने अमल में मुकवामां आवता नहीं। इफ देर इज अ वायोलेशन, जो कि कोईपण प्रकार उल्लंघन थाय तो पण कोर्ट द्वारा एना पर कई कार्यवाही थी सकती नहीं। त्यार पछी नेक्स्ट पॉइंट छे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन नो त्रीजो भाग जे छे कंटेन्स द फंडामेंटल राइट्स इन आर्टिकल 12-35। आर्टिकल 12-35 मां, आर्टिकल 12-35 मां बधा ज जे राइट्स छे फंडामेंटल राइट्स छे एनो समावेश करवामां आव्यो छे। ज्यारे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतना बंधारणमां चौथा भागमां डीपीएसपी इन आर्टिकल 36-51, चौथा भागनी अंदर डीपीएसपी जे छे जे डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी छे ए बंधारणना चौथा भागनी अंदर आर्टिकल नंबर 36-51 मां छे। ज्यारे थर्ड पॉइंट आपणे जोईए, इट इज द बेसिक राइट्स गीवन टू इंडियन सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत सीम्पल छे कि आ एक एवा बेसिक पायाना हक छे जे भारतना बंधारण द्वारा भारतना दरेक नागरिक ने आपवामां आव्या छे। थर्ड पॉइंट अहीं छे, इट इज द गाइडलाइन्स, अहीं बेसिक प्रिंसिपल्स छे अने आ गाइडलाइन्स छे टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट। हवे आ एक एवी मार्गदर्शिका छे जे सरकार द्वारा एने फॉलो करवामां आवे छे, एने अनुसरवामां आवे छे। वाइल फ्रेमिंग द पॉलिसीस, ज्यारे केटलीक नीतिओ सरकार द्वारा बनावामां आवती होय त्यारे डीपीएसपी ने फॉलो करवामां आवे छे। त्यार पछी नंबर 4, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज एस्टाब्लिश्ड इन इंडिया विथ द हेल्प ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एटले के राजकीय लोकशाही छे ए स्थापवामां आवे छे भारतनी अंदर विथ द हेल्प ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्सनी मददथी भारतनी अंदर राजकीय लोकशाही छे एनी स्थापना करवामां आवे छे। अहीं फोर्थ पॉइंट जोईए, इकोनॉमिक एंड सोशियल डेमोक्रेसी इज एस्टाब्लिश्ड। डीपीएसपी में शू है, इकोनॉमिक एंड सोशियल डेमोक्रेसी जो है ये स्थापना करवामां आवे छे विथ द हेल्प ऑफ द डीपीएसपी। डीपीएसपी की मदद थी सामाजिक अने आर्थिक लोकशाही की स्थापना थाय छे। ज्यारे फिफ्थ पॉइंट छे, द वेलफेर ऑफ ईच एंड एवरी सीटिजन। वेलफेर ऑफ ईच एंड एवरी सीटिजन एट्ले कि दरेक नागरिकनु कल्याण थाय एनु सारूँ थाय एवं इच्छे छे, इज प्रमोटेड थ्रू फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स द्वारा अथवा तो फंडामेंटल राइट्स की मदद थी दरेक नागरिकनु सारूँ थाय एनु कल्याण थाय एवं इच्छवामां आवे छे। अने अहींया शुं छे, द वेलफेर ऑफ द एंटायर कम्युनिटी इज प्रमोटेड थ्रू डीपीएसपी। वेलफेर ऑफ एंटायर कम्युनिटी, एंटायर कम्युनिटी मतलब अहीं समग्र जाति की बात है कि प्रमोट करवामां आवे छे थ्रू डीपीएसपी। लास्ट पॉइंट है, इट वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए। फंडामेंटल राइट्स है ये फंडामेंटल राइट्स भारतना बंधारण में लेवामां आव्या क्या थी, यूएसए ना बंधारण में लेवामां आव्या छे, बोरो करवामां आव्या छे, उछीना लेवामां आव्या छे। त्यार पछी डीपीएसपी जे छे, डीपीएसपी वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड।
डीपीएसपी છે એ આયર્લેન્ડના કોન્સ્ટિટ્યુશનમાંથી આયર્લેન્ડના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી કહું છું કે આ ક્વેશ્ચન તમારા માટે ખૂબ જ અગત્યનો છે, પરીક્ષામાં આવવાના પૂરેપૂરા ચાન્સીસ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે ડિફરન્સ છે એને બરાબર રીતે તૈયાર કરશો અને એક્ઝામમાં સારામાં સારા માર્ક્સ તમને આવે એવી અપેક્ષા સાથે ધન્યવાદ.